जंगल में शेर खान घूमता है, उसके हुर्राने की दहाड़ मूवी सुनता है। आज रात तो मजा ही आ जाएगा। साल भर बाद फिर से बसंत मौसम वाली हाथियों की परेड होगी। हाँ? क्या बात है हाथी? वो मेरी छड़ी नहीं मिल रही। अरे अप्पू, ये छड़ी तो तुम्हारे पापा की छड़ी जैसी है। ये उन्हीं की है मोगली, मैं ले आया। उन्हें तो पता भी नहीं ये मेरे पास है। लाओ, अब मेरी बारी है। हाथियों की रानी को सभी सलामी दो। बेटा, चलो घर आ जाओ। ओहो, इतनी जल्दी क्यों? अब चलो भी हीटा, बाद में मिलते हैं मोगली। ठीक है, मजे करना। अरे नहीं, ये मैंने क्या कर दिया? अब हम क्या करेंगे? पापा को ये छड़ी परेड के लिए चाहिए थी। उन्हें एक दूसरी छड़ी दे देना। ये नहीं हो सकता मोगली, ये छड़ी एक पवित्र काले पेड़ की है जो उस पहाड़ी पर है जहाँ चील का घोंसला है, और एक काला खतरनाक कोबरा उस पेड़ की रक्षा करता है। अरे मैं उस पहाड़ी पर जा चुका हूँ, मैं अभी वहाँ जाकर नई छड़ी ला सकता हूँ। दोस्तों, नहीं, इसमें बहुत खतरा है। होगा, पर मजा भी तो आएगा ना अप्पू। कैसा मजा? अप्पू, हीटा, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलो ठीक है, और कोई रास्ता भी नहीं, पर मैं भी साथ चलूंगा। और जब तक तुम दोनों नहीं आते, मैं पापा को संभालती हूँ। और वादा करो हीटा, तुम उन्हें इस टूटी छड़ी के बारे में कुछ नहीं बताओगी। अरे नहीं नहीं। अब चलो भी अप्पू, हमें चलना चाहिए, सूरज ढलने से पहले हमें लौटना भी तो है। इंसानी बच्चे का खाना होगा और मीठे में मोटू हाथी, मैं तो उसे ही चबाऊंगा। आज तो शेर खान खुशी से जादू की झप्पी दे देगा। तुम्हारे पापा कब से तुम्हें बुला रहे हैं हीटा, और अप्पू कहाँ है? वो मोगली के साथ है, बाद में आएगा। हीटा, अच्छा हुआ तुम आ गई, मेरी छड़ी मुझे मिल नहीं रही। तुम उसे ढूंढने में मेरी मदद करोगी? हाँ करूँगी ना पापा। अपने आप कहाँ जा सकती है? अब मैं क्या करूं? मम्मी, आप नाराज मत होना, वो क्या है ना, पापा की छड़ी हम खेलने ले गए थे और क्या कहा, और गलती से अप्पू ने उस पर पैर रख दिया और वो टूट गई। क्या कह रही हो तुम? तुम दोनों कितने शरारती हो गए हो, अब तुम्हारे पापा कौन सी छड़ी लेंगे? अप्पू और मोगली उस पहाड़ी पर गए हैं नई छड़ी लाने। अरे नहीं नहीं, ये क्या किया उन्होंने, वहाँ जाना इतना आसान काम नहीं है, और फिर उस पेड़ पर कोबरा भी तो रहता है। वो ये काम कर लेंगे, और पापा से मत कहना मम्मी, मैंने अप्पू से वादा किया था। ओह हीटा, ठीक है, नहीं कहूँगी। हाँ, खुशबू उधर से आ रही है। ये क्या, तूने तो कहा था वो अकेला है। वही समझिए ना, वो तो छुटकू हाथी का बच्चा है, मैंने सोचा आपके लिए एक सरप्राइज रखूं, उसे तो मैं हजम कर लूंगा। सच में, आप तो बस मोगली को निशाना बनाइए। देखो वो रहा चील। वो, हम बस पहुंचने वाले हैं। ओह, ये नाजुक पेड़ है, मैं इससे पार नहीं जा सकूंगा। तो तुम यहीं रुकना, मैं जल्दी लौटूंगा, पेड़ ज्यादा दूर नहीं है। मैंने तो पूरी तैयारी कर ली। कहाँ जा रहे हो हाथी?
वो मुझे मेरी छड़ी नहीं मिल रही है, तो सोचा जाकर पहाड़ी से नई लेकर आ जाऊं। अभी जाओगे तो वक्त पर नहीं लौट पाओगे। किसने कह दिया? और तो और, पहले ही अप्पू और मोगली नई छड़ी लेने पहाड़ी पर जा चुके हैं। क्या? पर ये काम मुझे करना चाहिए। वो मदद करना चाहते हैं, पर वहाँ बहुत खतरा है। जानती हूँ हाथी, पर अप्पू अकेला नहीं है और वो अब बड़ा भी हो रहा है। उसे लीडर बनना है तो ऐसे छोटे मोटे खतरे उठाने ही पड़ेंगे। जैसे मैंने भी लिए थे। वो पवित्र पेड़। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि इस पवित्र पेड़ पर चढ़ाए? मैं मोगली हूँ, हाथी का दोस्त। उसकी छड़ी टूट गई है तो नई लेने आया हूँ। हाथी? हाथी तो मेरा पुराना दोस्त है, तुम उसके लिए छड़ी ले जा सकते हो। तुम्हारा शुक्रिया कोबरा बाबा। वो दूसरी तरफ गया है, यहीं उसका इंतजार करते हैं। क्यों नहीं मालिक, वो जाएगा कहाँ? यहीं से गया है, यहीं आएगा। समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी पवित्र छड़ी खो कैसे गई। कितना गैर जिम्मेदार लीडर हूँ मैं। अब तो लगता है कि मुझे रिटायर हो जाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है पापा, आप बहुत अच्छे लीडर हैं। कोई फायदा नहीं है, वक्त निकलता जा रहा है और मोगली और अप्पू का अब तक कोई पता नहीं है। मुझे आज की बसंत परेड को कैंसिल करना पड़ेगा। बहुत गलत हुआ ये। ऐसा मत सोचिए पापा। मुझे मिल गई, छड़ी मिल गई। अप्पू, ये कहाँ चला गया? अरे नहीं। हाथ से कुछ छूट गया इंसानी बच्चे। जस्ट चिल, अब तेरा भी इस जंगल को छोड़ के मेरे पेट में जाने का वक्त आ गया है। नहीं बचाओ, पीछे हटो मोगली। नहीं। शुक्रिया अप्पू, आज तुमने मुझे बचा लिया। पर अब क्या करें? मैं ये खाई कैसे पार करूं? और वो छड़ी भी नीचे गिर गई। नहीं मोगली, छड़ी ऊपर ही है, देखो वहाँ एक पत्थर पर अटकी हुई है। अरे हाँ, चीन, क्या टाइम पर आए हो, उड़ने में क्या मजा है। अरे वाह, हमने कर दिखाया। शुक्रिया चील। बाय बाय। कब तक खैर मनाएगा इंसानी बच्चे? इस बार तो आकर दिखाओ शेर खान। अब क्या करूं? तबाकी, जल्दी आ, मुझे उस पार ले जाने का जुगाड़ ढूंढ। दोस्तों, मुझे आप सभी से एक जरूरी बात कहनी है। अब मुझसे और एक मिनट जरा रुकना। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता दोस्तों। और एक खास बात यह है कि आज की हमारी परेड का खास मेहमान और कोई नहीं, हमारा अपना मोगली है। प
पापा ये सब मेरी गलती है, मैंने आपकी छड़ी खेलने के लिए ली थी। तुमने ली थी तो फिर वापस क्यों नहीं रखी? क्योंकि वो टूट गई थी। अच्छा तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई गई? मैंने अप्पू से वादा किया था। अप्पू तुमने जो किया वो सही नहीं था, पर इससे तुम्हें एक सबक जरूर मिला होगा। अब जल्दी करो, परेड शुरू होने वाली है। प्रकृति की खूबसूरती है मोगली, हर जरूरी चीज का इंतजाम होता है। जंगल के पेड़ों से खाना मिलता है, नदियों से पानी और ए, बक बक बंद करो दोनों, दिखाई नहीं देता मैं यहाँ लेसन दे रहा हूँ। खबरदार जो मुझसे बदतमीजी की तो। ओ, चलो माफी मांग लेते हैं। बलू, बहुत जोर से लग गई क्या? थोड़ा पानी पी लो बलू। हुआ क्या था? ओह ये ताज, मतलब मैं राजा हूँ। अरे हाँ, इस जंगल का राजा, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ। बलू अभी अभी बंदरों ने तुम्हें खोपड़ी पर मारा। बलू नहीं, राजा जी कहकर बात करो। अब तो तुम कहोगे मुझे राजगद्दी भी चाहिए। अरे वो तो पहले से ही है ना। नहीं तो मेरे साथ आओ, मैं दिखाता हूँ, मेरे पीछे आओ। इसका दिमाग फिर गया है मोगली, मैं इसके पागलपन में शामिल नहीं होने वाला। टेंशन मत लो, जल्दी अपने बलू जी होश में आ जाएंगे, तब तक हम भी थोड़े मजे ले लेते हैं। हाँ तो राजा जी, पेश है आपकी शाही राजगद्दी। बहुत सुंदर। बलू बुढ़ापे में ऐसा मजाक जचता नहीं है। सुनो, राजा जी को भूख लगी है, मेरे लिए फल लेकर आओ और शहद भी। राजा के लिए काम करो और जिंदगी भर के लिए खुश रहो। बलू का ये पागलपन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मेरा थोड़ा तो साथ दो ना बघीरा, बलू अभी होश में नहीं है, अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो वो और गुस्सा हो सकता है। लीजिए राजा जी, मैं आपके लिए लाया हूँ जंगल का सबसे स्वादिष्ट भोजन। आपके लिए बिल्कुल ताजा फल है राजा जी। अब वक्त है मेरी प्यारी जनता से मिलने का। मंत्रियों मेरे पीछे आओ। ये है मेरी उड़ने वाली जनता, समझ गया, ये हमें अपना शहद देकर राजा जी को खुश करना चाहती हैं। वाह वाह क्या बात है, ये तो हमारे गले मिलना चाहती हैं। लगता है राजघराने से आए लोगों का स्वागत करने को तैयार। अब यहां से आगे बढ़ते हैं राजा जी। ओ देखो तो, ये है मेरी छुटकी जनता। देखना, एक दिन इसे गर्व होगा कि इसे राजा जी ने प्यार किया था। ओए मुझे छोड़ दे वरना पापा से शिकायत करूंगा। मेरे बेटे के साथ क्या कर रहे हो, नीचे रखो उसे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं राजा जी। और बलू तो अपने आप ही राजा बन बैठा है,
और वो मोगली और बगीरा उसके चमचे बने फिर रहे हैं। बड़ी अजीब बात है, क्यों? और क्या, तो मुझे एक हड्डी मिल सकती है शेर खान? अभी नहीं, पहले हमें हालात का फायदा उठाना होगा। जाओ और खबर लेकर आओ। बलू को हम कब तक मुसीबत से बचाते रहेंगे? हमें कुछ तो करना ही होगा। लेकिन क्या? क्यों ना हम उसे सचमुच डराए, इतना कि उसके पसीने छूट जाए और उस सदमे से वो दोबारा पहले जैसा बलू बन जाए। ठीक है, पर बलू को इतना डर किससे लगेगा? शेर खान। तो आज शाम को हम बलू से कहेंगे उसके राजा बनने से शेर खान बहुत गुस्से में है और वो बलू को जंग के लिए चुनौती देना चाहता है। हाँ, मौत की जंग। और देख लेना, बलू को इससे झटका लगना ही लगना है और फिर से नॉर्मल हो जाएगा। वो बलू से कहेंगे कि तुम उससे लड़ना चाहते हो। प्लान तो बहुत अच्छा है, क्यों ना इससे सच करते। मैं उसे चुनौती देने जाऊंगा, एक बार उसका सफाया हो जाए तो मेरा शिकार इंसानी बच्चा आसानी से हाथ आ सकता है। ओ, तुमने क्या दिमाग पाया है शेर खान, बड़े शातिर हो शैतानों के दादा। बलू को मेरी ओर से चुनौती दे दो, देखते हैं कौन है जंगल का असली राजा। और शेर खान ने तुम्हें चुनौती दी है मौत की जंग की? और नहीं तो क्या, शेर खान ने कहा सुबह होते ही उस पहाड़ी के ऊपर मिलना। क्या? वो कह रहा था कि इस ढोंगी राजा को सबक सिखाना जरूरी है। क्या कहा? मैं कोई ढोंगी नहीं हूँ, मैं जंगल का राजा हूँ। और वो मेरी गद्दी छीनना चाहता है, कह दो उसे मैं कल सुबह उसे जरूर मिलूंगा। ये तो और बड़ी मुसीबत हो गई, कुछ ना कुछ तो सोचना ही होगा। इंसानी बच्चे, तुम यहाँ कैसे? मैं खुद को तुम्हें सौंपने आया हूँ। अगर तुम बलू से लड़ाई हारने का नाटक करोगे तो तुम बदले में मुझे खा सकते हो। ये भी खूब कहा तुमने, मुझे मंजूर है, पर अपने वादे से मुकरना नहीं। तुम चाहते हो मैं वहाँ अंदर जाऊँ? जब तक मैं वापस नहीं आ जाता। और पहली बार तूने अपनी मर्जी से कुछ किया, वो भी बढ़िया। शेर खान पर कभी भरोसा मत करना इंसानी बच्चे, पहले मैं तेरे दोस्त बलू को मारूंगा, फिर आकर तुझे चट करूंगा। समझ में नहीं आ रहा ये मोगली कहाँ चला गया। सुनिए राजा जी, क्या आप पक्का शेर खान से लड़ना चाहेंगे? हम एक राजा हैं और अपने वचन से पीछे नहीं हटते। हाँ, ओ तू आ गया नकली राजा, आ जा मैदान में। राजा तो बड़ा कमजोर लग रहा है। नहीं, रुक जाओ। रुक जाओ, पर क्यों? मोगली, वो पहले उसे भी आने दो। उसकी फिक्र छोड़ो, उसे मैंने महफूज जगह रखा है। पर तैयार हो जाओ अपनी प्रजा को अलविदा कहने राजा जी। आ, 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 आ,
तूने बड़ी गलती कर दी इंसानी बच्चे, इसकी कीमत तो तुझे चुकानी ही होगी। मेरा सर, अरे ये क्या हो रहा है? चलो अब छोड़ दो। पर हम शेर खान से लड़ क्यों रहे थे? अरे वाह वाह, तो तुम फिर से पहले वाले बलू बन गए। पहले वाला? तुम खुद को जंगल का राजा मान रहे थे बलू, सिर पे देखो। वैसे एक बात कहनी पड़ेगी, राजा बनना उतना मजेदार नहीं जितना सोचा था। शेर खान, मेरे लिए तुम एक भी हड्डी नहीं लाए। हाँ नहीं, तू तो सिर्फ जंगल का कीड़ा है और मैं हूँ इस जंगल का शहंशाह। बागीरा और बलू अपने करतब दिखा।